एक कहावत है कि जिसका शरीर सही है उसका मस्तिष्क भी अच्छा है, तंदुरुस्त है, हर लिहाज से अच्छा है। तो इसी तरह आप दुनिया में बहुत से गेम हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हर तरह की प्रतियोगिताएं होती है। इसी तरह एथलेटिक्स में भी हमारे पास एक चक्का फेंक प्रतियोगिता है। ये जैसे आप नाम से है कि बड़ी मजबूत और बड़ी ताकतवर इवेंट्स माना जाता है इसको, इसी तरह इसके साथ साथ ये एक तकनीकी में भी बहुत मजबूत इवेंट है। शुरू के ग्रीक ओलंपिक से ये स्टार्ट हुआ डिस्कस थ्रो या चेंजिंग आती रही है इसके रूप में, स्वरूप में इसके चुका है, और अब ये एक एथलेटिक्स का बहुत ही दिलचस्प इवेंट बन के और हमारे सामने उभरा है। तो इसके मापदंड के देखते हुए, इसकी टेक्निक को देखते हुए बहुत सी चीज़ें जानकारी के लिए आवश्यक है। सबसे पहले मैं इसके ग्राउंड के बारे में, जहां इसका सर्कल है, जो इसका घेरा माना जाता है, जिसको इसकी पिट मानी जाती है, उसके बारे में। जो आप सर्कल देख रहे हैं ये एक स्पेसिफिक बड़ा तकनीक के हिसाब से बनाया गया होता है। सबसे पहले इसकी जो बनावट है वो कंक्रीट और सीमेंट के साथ होती है। इसके जो बनावट इस तरह से हो कि इस पर ज़्यादा ना फिसलन हो ना ही उबड़ खाबड़ हो, ये एक बिल्कुल समतल और अच्छे हिसाब से माप तोल के बनाया गया हुआ एक घेरा होता है। और इसके जो घेरे की जो व्यास है, इसकी जो परिधि है, वो 2 मीटर पर 50 सेंटीमीटर की होती है। इसके में 5 मिलीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि एक पतली सी रिम लगी हुई है। ये रिम है, इसकी जो गहराई है और जो धरातल से 44 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर के बीच में रखते हैं। सर्कल के 20 के हिसाब से लगती हुई बराबर में एक लाइन होती है, जिसकी चौड़ाई 50 मिलीमीटर चौड़ी होती है और लंबी 0.75 मीटर आगे तक निकली हुई होती है, जो इसके अर्धव्यास के रूप में लगाई जाती है। इस सर्कल के बीच के अंदर एक बिंदु होता है, जिससे थ्रोइंग एरिया की तरफ, जिस तरफ थ्रो फेंका जाना है उसकी तरफ का दोनों साइड का एक 50 मिलीमीटर की एक लाइन लगी होती है दोनों साइड, जो 40 का कोण बनाती है, जो बिल्कुल यहाँ से लगती है और एथलीट को उसी के बीच में थ्रो करनी होती है। 3 प्रकार की डिस्कस थ्रो होती है जो हमारे यहाँ प्रतियोगिता में प्रयोग की जाती है, जिसमें सबसे पहले 1 किलो की जो डिस्कस है ये महिला वर्ग के लिए होती है, उसके बाद 2 किलो की जो डिस्कस है पुरुष वर्ग के लिए होती है, और 1.5 किलो की होती है सीनियर बॉयज़ के लिए। सीनियर बॉयज़ की जो डिस्कस है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या जूनियर बॉयज़ जो 20 साल से नीचे के हैं उनके लिए ये 1.5 किलो की डिस्कस रखी जाती है। पुरुष वर्ग के लिए इसकी जो घेरा 219 मिलीमीटर से 221 मिलीमीटर तक होता है, तथा महिला वर्ग के लिए 180 मिलीमीटर से 182 मिलीमीटर तक होता है, तथा इसका जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, वो पुरुष वर्ग के लिए 44 मिलीमीटर से लेके और 46 मिलीमीटर तक होता है। इसी तरह महिला वर्ग के लिए जो 1 किलो की डिस्कस है उसकी मोटाई 37 मिलीमीटर से लेके 39 मिलीमीटर तक होती है। जहाँ तक इनकी रिम का जो बाहर का है, इसकी रिम की मोटाई 12 मिलीमीटर दोनों में बराबरी होती है, महिला वर्ग में भी तथा पुरुष वर्ग में भी। इनके बीच का जो आप एक मेटल का जो राउंड देख रहे हैं ये तकरीबन 50 मिलीमीटर से 55 मिलीमीटर के बीच में दोनों का रखा जाता है। डिस्कस के बीच के अंदर साधारणतः लकड़ी का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ एक स्टैंडर्ड की चीज़ों में आजकल इसका रबर का भी प्रयोग करने लगे। जैसे डिस्कस है, इसकी बनावट गोल शेप में है। अगर इसकी गोल शेप में इसलिए बनाई गई है कि इसको हवा को चीरने के लिए, एक हवा के अंदर ले जाने के लिए, अगर इसका आकार बराबर नहीं होगा तो ये समतल नहीं जाएगी और ये शेक करेगी, और शेक करेगी तो हवा इसको, अगर ये डिस्कस ऐसे रहेगी तो हवा इसको ज़्यादा प्रेस करेगी, अगर ये ऐसी जाएगी तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, अगर ये ऐसे रिलीज होती है, ऐसे जाती है, तो ये हवा इसको प्रेस करेगी और ये डिस्कस ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। तो इस वजह से इसको एक तो गोल बनाया गया है, और दूसरा इसका बनाने का मटेरियल पहले लकड़ी की बनती थी, तो जैसे कि इसका जो थ्रोइंग एरिया है
जहाँ ये पड़ती है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सभी जगह ग्रासी या मिट्टी का होता है, वहाँ जाके ये गिरती है तो उसमें वो लकड़ी थी वो टूट जाती थी, इसलिए अभी ये मेटल की आ गई है। और इसके अंदर जो है इसका आकार होता है इधर से पतला और ऊपर से मोटा होता है, बीच में उठा हुआ ये है कि इसका कि अगर इधर से होगा तो भी ये शेक करेगी, तो यहाँ वेट ज़्यादा होगा इधर वेट कम होगा, तो ये भी एक साइंटिफिक है, जैसे जेवलिंग थ्रोअर में जेवलिंग के अंदर बनाते उसी मुताबिक इसको भी बनाया जाता है। डिस्किस का जैसे है कि इसका जो ये लोहे का लगाया जाता रिंग, अगर लकड़ी की होगी तो भी लोहे का बनाया जाएगा, इससे एक तो क्या है कि इसको ग्रिफ मिलती है, दूसरा रनर को पकड़ने में भी ग्रिफ मिलती है। इसका पकड़ने का स्टाइल है पूरा हाथ को खोल करके और डिस्कस को ऐसे लास्ट जो अंगलियों का ये पॉइंट है वहाँ से पकड़ करके ऐसे इसको पकड़ के रखें, अगर ऐसे जोड़ के पकड़ेंगे तो ग्रिफ प्रॉपर ग्रिप नहीं आएगा और डिस्कस गिर जाएगी और थ्रू भी ठीक नहीं जाएगा। और ये डिस्किस है जब इसको छोड़ेंगे तो इसका जो मोमेंट है वो हवा में शेक करती हुई जाएगी, तो उसके ऊपर क्या है कि इसको हवा का प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये समूद जाएगी तो हवा के अंदर हवा का प्रेशर से ये रुकेगी, तो इस वजह से इसको पकड़ने के लिए, इसका बैलेंस बनाने के लिए और ये सही थ्रू करने के लिए ये स्टाइल है इसका पकड़ने का, कि चारों अंगुली खुली हो, अंगूठा खुला हो और थोड़ी अंगुलियाँ आगे से दो में मुड़ी होनी चाहिए। डिस्किस थ्रोअर के लिए हम ज़्यादातर ऐसे लड़कों को सेलेक्ट करते हैं जो बच्चे हाइटली अच्छे होते हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारा एक पावर इवेंट है और पावर इवेंट के लिए हमें इसमें पावर चाहिए, ताकत चाहिए, तो उसके लिए है कि जितना हाइट अच्छी होगी तो उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर रहेगी और उसको अच्छा ग्रिप मिलेगा और स्ट्रेंथ भी उसमें जब ये ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी और इस वजह से उसके जैसे हाथ वगैरह हैं वो भी लंबे होंगे, तो उससे उसको डिस्टेंस वाइज हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है और इस वजह से हम उसको जिसकी हाइट अच्छी होती है उसी बच्चे को थ्रूज के लिए चुनते हैं। जब फेंकने के लिए आप आएंगे तब इन बातों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आप खड़े होने की पोजीशन, खड़ा होने के लिए आपका जो मुंह है बिल्कुल आपके थ्रोइंग एंगल, जो आपका फेंकने का एरिया है, जगह है, उससे बिल्कुल अपोजिट की साइड होगा और आप सबसे पहले इजी और बिल्कुल बैलेंस स्थिति में खड़े होंगे। उसके बाद इसको हाथ में लेके स्विंग करवाएंगे, घुमाएंगे शरीर को, हल्का सा पेंडुलम बनाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे। इसके बाद आप इसके दो प्यूट बनाएंगे, जिससे शरीर को उस प्यूट के ऊपर घुमाना है, तो इसको आप मैं एक थ्रो फेंक के दिखाता हूँ। इसी तरह चक्का फेंक के अंदर जब प्रतियोगिता के अंदर भाग लेते हैं तो कुछ एक नियम होते हैं जिनका आपको अनुसरण करना होता है, फॉलो करना होता है, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आप थ्रो करते हैं उसको दो अटेम्प्ट मिलते हैं, खाली दो ट्राई अटेम्प्ट मिलेंगे ट्राई के लिए, उसके बाद उसको 6 अटेम्प्ट या 8 अटेम्प्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 अटेम्प्ट मिलते हैं, 8 बार वो ट्राई मारते हैं। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट रूल है वो ये कि आपका जो पैर है एथलीट का, थ्रोवर का पैर इस रिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ये पैर यहाँ चला जाता फाउल हो जाता और ये यहाँ रह जाता तो थ्रू सही हो। एक फाउल तो ये हो गया कि अगर ये रिंग से बाहर पैर टच हो जाता है इस सर्किल के से तो ये फाउल है, दूसरा है अगर यहाँ से थ्रोवर ने थ्रू सही किया है जिसकी सही लगाई है और मगर वो यहाँ से निकल गए तो फाउल है, थ्रोअर को थ्रू करने के बाद में पीछे से निकलना चाहिए जो कि इस सर्किल का आधा हिस्सा है, यहाँ आने के बाद चाहे वो इधर से निकल जाए चाहे वो इधर से निकल जाए यहीं से, पर इसके यहाँ इसके थ्रू करके यहाँ से नहीं निकल सकते, इसका सेंटर से आगे आके फिर निकलना पड़ता है।
थ्रोवर जब थ्रो करता है, कंपटीशन के अंदर थ्रो करता है, तो उसे बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करने की भी मनाही होती है। जैसे कि यदि कोई बाहर से ग्लव्स लें या दूसरा कोई इक्विपमेंट लें या कोई जूते पर स्प्रे करें या सर्कल पर स्प्रे करके उसमें फिसलन डालने की कोशिश करे, ये उसके रूल में नहीं है। यदि ऑफिशियल या जजेज वहाँ पर अलाउ करे या उसको परमिशन दे, तो एक कमर की बेल्ट होती है, जो किसी के स्पाइनल का दर्द है या कमर का दर्द है, तो वो उसका प्रयोग कर सकता है। थ्रो करते हुए थ्रोवर का कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा, जो एथलीट थ्रो करता है उसके शरीर का कोई भी हिस्सा इस सर्कल के बाहर टच नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं छूना चाहिए, ज़मीन के या किसी सर्कल को छूना नहीं चाहिए। तथा एक बात का और ध्यान दें कि प्रतियोगी जब थ्रो करता है, जब तक उसकी थ्रो या उसकी डिस्कस थ्रो ग्राउंड को नहीं टच हो जाती, ग्राउंड को छू नहीं जाता, तब तक वो सर्कल को न छोड़े, क्योंकि यदि वो पहले छोड़ देता है तो उसका थ्रो फॉलो माना जाता है। जैसे ही थ्रोवर थ्रो करता है तो उसकी डिस्कस के तुरंत बाद में जहाँ जिस ग्राउंड को उसकी डिस्कस छूती है उसके नज़दीकी पॉइंट से लेके और उसी समय उसको मापा जाता है। मापने के लिए सेंटर के पॉइंट पर, केंद्र बिंदु पर उसका टेप रखा जाता है। और नेक्स्ट आपको यहाँ लेना पड़ेगा। जैसे कि हम वेट ट्रेनिंग में सभी को कराते हैं, चाहे वो डिस्कस थ्रोअर है, चाहे हैमर थ्रोअर है, जितने भी थ्रोअर हैं उनको वेट ट्रेनिंग वगैरह हम देते हैं, जिससे कि उनकी पावर्स बढ़ाने के लिए हम उनको वेट देते हैं। और उससे उसके मसल्स, अलग अलग जैसे मसल्स होते हैं उनकी अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, जैसे लेग्स की अलग है, आर्म्स की अलग है, चेस्ट की अलग है, तो सब ये एक्सरसाइज करके और फिर सारी बॉडी को उनको अलग अलग पार्ट्स में एक्सरसाइज दे करके, जिस पार्ट्स पे ज़्यादा एक्सरसाइज देते हैं जिसका जिस इवेंट से ताल्लुक है। डिस्कस में जैसे कि पूरी बॉडी का ही चाहिए, जैसे कि सर्किल लेने के लिए हमें पावर चाहिए लेग्स का, तो इसके लिए हमने जैसे कि हाफ स्क्वाट और फुल स्क्वाट वगैरह वेट ट्रेनिंग में करवाते हैं। इसी मुताबिक है कि बेंच प्रेस कराते हैं, और जो कि शोल्डर के लिए ये ज़्यादा यूजेबल होती है, जो कि लास्ट इनिंग में जैसे सर्कल काट के फिर वो जैसे रिलीज करते हैं, तो उसके लिए हमें शोल्डर का पावर चाहिए। तो इसकी वजह से फिर हम हाथ की एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे वो पूरा उसका तालमेल बॉडी का बैठ जाए।
पंकज सरोज जैसे शब्द से ही बड़ा मजबूत इवेंट है, इसको फेंकते हुए कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब आप फेंकते हैं तो इसके लिए स्पोर्ट्स इंजरी जिस तरह कमर का झटका या रिब्स पे जर्क लग जाना या बाजू में जर्क लग जाना, इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें। तथा जो बिगनर इसको करना चाहते हैं या करने शुरू किया है तो उनको चाहिए कि वो किसी सीनियर के पास या प्रशिक्षक कोच या स्पेशलिस्ट के पास जाके ही पूछें, ताकि वो इसको सही से आपको गाइड करके बताएं कि इसका तरीका क्या है।